तो दोस्तों HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ही में इस इंडियन PSU ने 19 सीटर वाले एक सिविल एयरक्राफ्ट को बना करके तैयार किया है, जहां पर इसका निर्माण भारत में किया गया है। जहां इसी एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर है, जहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन का कहना है कि कानपुर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके लिए EOI जारी कर दी है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया है, जिसकी मदद से अब इन एयरक्राफ्ट के अंदर ऑटो पायलट सिस्टम को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए बहुत जल्द कुछ इंडियन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो यहां पर इस ऑटो पायलट सिस्टम को बिल्ड करेंगी। वहीं HAL का कहना है कि सिविल डीओ 228 विमान बाजार में जिस प्रकार से प्रतिक्रिया मिल रही है, उस हिसाब से बहुत जल्द 100 यूनिट्स भी बनाई जा सकती हैं। वहीं वर्तमान समय की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इन डीओ 228 एयरक्राफ्ट के अंदर KCF-325 ऑटो पायलट सिस्टम लगा है, जो कि एक पुराना ऑटो पायलट सिस्टम माना जा रहा है, और इसलिए यहां पर इन विमानों में ऑनबोर्ड ग्लास कॉकपिट वाले नए और एडवांस ऑटो पायलट सिस्टम को लाना है। लेकिन ये 100% मेड इन इंडिया नहीं है। जहां पर HAL के द्वारा ये जानकारी शुक्रवार को शेयर की गई और इसको नाम दिया गया है हिंदुस्तान 228A, जहां पर इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेमी प्रिपेयर्ड के लिए किया जाएगा और स्पेशली ये रैंडम डायरेक्शन में चलाया जा सकेगा। जहां पर इस छोटे नागरिक परिवहन विमान का जो डिजाइनिंग काम है वो डोनियर GmbH के द्वारा किया गया है। कंपनी के मुताबिक इस प्रकार के विमानों की आवश्यकता भारत में और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पड़ सकती है, जहां पर ऐसे छोटे विमानों का इस्तेमाल कई अलग अलग कामों के लिए किया जा सकता है, जैसे इसका उपयोग एम्बुलेंस, कार्गो, पैराड्रॉप, परजाम आदि के रूप में किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ज्यादा उपयोगी विमान माना जा रहा है। जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक ऐसे 6 विमानों को तैयार किया जाना है जो कि 19 सीटर वाले रहेंगे, लेकिन कंपनी के मुताबिक इसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है, और अगर यहाँ पर यह व्यवस्था जोड़ी जाएगी तो 2 सीट कम हो जाएंगी, यानी कि ये प्लेन सिर्फ 17 सीटर बन करके रहेगा। और ख़ास बात यह है, जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये 100% मेड इन इंडिया नहीं है, क्योंकि इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो भारत में नहीं बना हुआ है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये हिंदुस्तान 228 विमान तैयार किया गया है। वहीं भारत के लिए जो भी इसके टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन होते हैं, उन सभी प्रोसेस को इस एयरक्राफ्ट ने कम्प्लीट कर लिया है, जो कि उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और बहुत जल्द इसके 5 और बचे हुए क्राफ्ट भी सप्लाई किए जाएंगे HAL की तरफ से। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अकॉर्डिंग इसमें इंजन को छोड़कर के ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो स्वदेशी इस्तेमाल किए गए हैं, और धीरे धीरे इंडिया के डिफेंस PSUs भी अब स्वदेशीकरण की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत में हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। फिलहाल भारत में बड़े ट्रैफिक और एम्बुलेंस सुविधाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ऐसे विमानों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये खास पेशकश रही है। सो हिंदुस्तान 228A के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।